हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये एक अर्जेंट चैनलिंग है आप सभी के लिए। होपफुली आप लोगों से ये रेजोनेट करे। जैसे कि हमारा 2112 करीब आ रहा है, ओके, ये जो एक जर्नी है इसमें वॉर बढ़ता ही जा रहा है। वॉर किसके बीच? डेमन और एंजल्स के बीच, डेमन और आर्क एंजल्स यूनिवर्स, ओके, ये वॉर बढ़ता जा रहा है। एंजल्स आपको गाइडेंस देने की कोशिश कर रहे हैं, आपके साथ हैं, लेकिन डेमन भी उतने ही पावरफुल हैं इस वक्त, और वो बिल्कुल चाह रहे हैं कि आप ये जर्नी क्विट कर दो। बिल्कुल, आपने इतना इनर वर्क करके खुद को बैलेंस किया, आप उस स्टेट में आ गए जहां आप अपने डीएम को मिस भी नहीं करते थे। आपको ट्रस्ट था कि हाँ, एक दिन वो आएंगे। आपको फेथ था कि यूनिवर्स हमारे साथ गलत नहीं कर सकते, और आप चुपचाप से अपना इनर वर्क कर रहे थे, खुद को बैलेंस कर रहे थे, राइट? बट आपको इम्बैलेंस करने के लिए भी कोशिश की जा रही है, डेमन की कोशिश की जा रही है कि आपके अंदर नेगेटिविटी आए, आप इम्बैलेंस फील करो। आपको डीएम से ट्रिगर किया जाएगा, आपको साइकोलॉजिकली ट्रिगर किया जाएगा। आप खुद, आपकी खुद की अपनी ओवर थिंकिंग आपको ट्रिगर कर सकती है, डीएम भी ट्रिगर कर सकता है, लेकिन बस पर्पस ये होगा कि आप ये जर्नी छोड़ दो, राइट? और इस वॉर में हमको डेमन को जीतने नहीं देना है, राइट? एंजल्स हमारे साथ हैं, आर्क एंजल्स हमारे साथ हैं, यूनिवर्स हमारे साथ है, बस आपको ट्रस्ट रखना है। जैसे मैंने मॉर्निंग में भी कहा था कि आपको ब्लाइंड फेथ रखना है। आपके मन में ये आ सकता है कि इट्स ओके, आई एम गोइंग टू लीव दिस जर्नी, इट्स ओके, आई एम नॉट क्लेमिंग माई ट्विन फ्लेम, ठीक है, मैं अपनी तकदीर के साथ एडजस्ट कर लेती हूँ, जो है मेरे पास मैं उसी के साथ एडजस्ट कर लेती हूँ, ओके, आई मूव ऑन, ओके, मैं अपनी फ्री विल का यूज़ करके इस जर्नी को क्विट कर देती हूँ, छोड़ देती हूँ। ऐसी फीलिंग आपको आ सकती है। आप यूनिवर्स से क्वेश्चन कर सकते हैं कि यूनिवर्स मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं ये जर्नी छोड़ने को तैयार हूँ, मैं ये जर्नी छोड़ना चाहती हूँ। ऐसी फीलिंग्स आपको आ सकती है, पर ये फीलिंग्स आपकी नहीं है, ये आपको ट्रिगर किया जा रहा है, याद रखिए, क्योंकि ये जर्नी आप छोड़ ही नहीं सकते, ठीक है। आपको ये जर्नी पूरी करनी है, आपको अपने ट्विन फ्लेम को क्लेम करना है, आपको ये जर्नी पूरी कंप्लीट करनी है। आप अपने इनर वर्क पे फोकस रहिए। देखिए दोस्तों, जैसा आपके साथ घटित हो रहा है, ऐसा ही कुछ घटित हो रहा है आपके डीएम के साथ। आपके डीएम इस वक्त पीक के एनर्जी में है, इस वक्त वो जिस एनर्जी में है, जहाँ उन्हें ये, वो इतने पेन में है इस वक्त। किस लिए उनको इतना पेन दिया जा रहा है? जिससे वो रियलाइज़ करें कि उन्होंने आपके साथ गलत किया। उनकी भी सोल पर्जिंग हो रही है। क्यों उनकी सोल पर्जिंग हो रही है? क्योंकि वो, उन्हें वापस आपके पास आना होगा, ये डिवाइन का प्लान है। वो उस पेन से गुजर रहे हैं, वो उस पर्जिंग से गुजर रहे हैं, वो हर प्रकार की फीलिंग्स, एंजाइटी, उनका भी रीबर्थ होने वाला है, उनका भी स्पिरिचुअल रीबर्थ होने वाला है, ठीक है। ये सब कुछ आपके डिवाइनल प्लान आपके लिए हो रहा है। आपको भी यूनिवर्स को सपोर्ट करना है, सिर्फ उन पर ट्रस्ट करके और अपनी जर्नी पर फोकस करके। कमज़ोर नहीं होना है, क्योंकि इसी वक्त आपको कमज़ोर किया जा रहा है, जिससे कि आप ये जर्नी को छोड़ दें, अपनी फ्री विल का यूज़ करके अपनी ये जर्नी को छोड़ दें और हमारे यूनिवर्स पे आप मिसट्रस्ट करें। दोस्तों, बिल्कुल भी आपको ट्रस्ट करना होगा, आपको ट्रस्ट करना होगा कि आपका डीएम वापस लौट के आएगा, आपका ट्विन फ्लेम आपसे कांटेक्ट करेगा, उन्हें करना होगा, वो आपसे बात करेंगे, वो आपसे सामना करेंगे, वो आपसे अपने हर उस चीज़ के लिए माफ़ी मांगेंगे। आप परेशान मत होइए, जर्नी क्विट मत करिए, अपने ट्विन फ्लेम को क्लेम करिए, जर्नी क्विट मत करिए, मत सोचिए, राइट? कितनी नेगेटिविटी आ रही है, आने दीजिए। चाहे आपका ट्विन फ्लेम किसी मैरिज में हो या वो अनमैरिड हो, वो जिस भी सिचुएशन में हो, वो आएंगे, उनके भी साथ पर्जिंग हो रही है, उनके भी साथ, वो भी पेन से गुजर रहे हैं, वो भी रीबर्थ के टाइम से गुजर रहे हैं। मत इस आखिरी टाइम पे हिम्मत मत हारिए दोस्तों, ओके?
और सबसे इम्पोर्टेंट बात, उनका जो ईगो है वो बहुत ही गंदे तरीके से शैटर होने वाला है। सीरियसली आप टाइम दीजिए, इन इन मेन जो स्पेशल 8 डेज हैं, पेशेंस रखिए, सिंपली फोकस करिए, डीएम के बारे में भी मत सोचिए। इस वक्त कोई डिसीजन मत लीजिए, उनसे बात कर लूँ, और फिर बात करने का अगर वो ट्रिगर कर देंगे तो आप बोलोगे कि मैम आपने तो बोला था वो पेन से गुजर रहे हैं, उनको पर्जिंग हो रही है, वो इस प्रोसेस से गुजर रहे हैं। बट आपको ट्रिगर नहीं करना है, क्योंकि सबसे पहले उनका ईगो शैटर होगा कंप्लीटली। हम लोग को अवेकन डीएम चाहिए, हमको वो बीच में ऑन ऑफ वाला डीएम नहीं चाहिए। मत आप लोग बात करने नीडीनेस से ऑपरेट करिए कि बात कर लें, एक बार बात करें, नीडीनेस से ऑपरेट मत करिए। हमको अवेकन चाहिए, वो जब भी आए वो इकट्ठा पूरी तरीके से अपने ईगो को शैटर करके आए, और वो आएगा। यूनिवर्स हमारे साथ चीट नहीं कर सकता, हमें फेथ है, हमें अपने एंजल्स पे फेथ है, हमें आर्क एंजल्स पे फेथ है, हमें यूनिवर्स पे फेथ है, हमें यूनिवर्स चीट नहीं कर सकता, राइट? इसी एनर्जी के साथ रहिए, और हर प्रकार की नेगेटिविटी को आप बिल्कुल एंड कर दीजिए अपने अंदर से। ठीक है दोस्तों, ये चैनलिंग थी, बहुत ही ज़्यादा मुझे उसकी फीलिंग हो रही थी, मुझे लगा कि आई मस्ट डिलीवर दिस मैसेज। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल एंड गुड नाइट।